हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ प्याज की खस्ता कचौड़ी। तो आलू की कचौड़ी तो आपने बहुत बार खाई होगी, तो एक बार आप प्याज की कचौड़ी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और जो भी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इधर लिया है मैंने मिक्सिंग बॉयल, उसमें डाल लिया है 1 कप मैदा और 1 कप आटा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। और उसके बाद डाल लेते हैं इसमें हम अजवाइन थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक, और इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा तेल। तो इसे अच्छा सा मोइन लगाना है आटे में। तो जब मोइन लगाएंगे तभी हमारी कचौड़ी अच्छी खस्ता बनेगी। तो इधर देखिए मोइन हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए हाथों के बीच मुट्ठियाँ बनने लगी हैं, तो मोइन हमारा परफेक्ट लगा है। और पानी डाल के हम अच्छे से आटा इसका तैयार कर लेंगे। तो ये सॉफ्ट डो हमको बनाना है, तो बहुत ही हार्ड नहीं बनाना है, टाइट भी नहीं बनाना है और बहुत गीला भी नहीं बनाना है। तो मीडियम, जैसे हम लोग पराठा या पूड़ी बनाते हैं उस तरह से इसको हम बना के तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है इसको, सॉफ्ट ही रहने देना है। तो इधर अच्छे से डो मैंने लगा लिया है, तो आप देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब ढीला भी नहीं है। तो अच्छा सा डो मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो ये 1/4 कप पानी बचा हुआ है 1 कप में। तो चलिए अब इसको दे देते हैं 20 मिनट का रेस्ट। तब तक ये इधर ले लेते हैं प्याज। तो देखिए 4 प्याज मैंने लंबे आकार में अच्छे से काट के तैयार कर लिए हैं। और इधर ये लिया है मैंने कुछ मसाला, जो हम लोग करेले वगैरह में मसाला डालते हैं वो मसाला लिया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं। तो लो फ्लेम पे ही हमको रोस्ट करना है, नहीं तो अगर हाई कर देंगे तो ये जल जाएगा, तो और इसमें स्वाद भी नहीं रहेगा। तो जब हम मसाला ये भूनते हैं ना तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो चलिए मसाला तो हमारा लगभग रोस्ट हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद इसको हम दरदरा कूट लेंगे। और इधर मैंने कढ़ाई रखी थी, उसमें डाला ऑयल और डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। तो जीरा चटकने तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जीरा तो हमारा चटक गया है, तो चलिए जो मैंने मसाला बनाया था दरदरा कूटा वो भी हम डाल देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम तेल में भून लेंगे अच्छे से, और उसके बाद जो मैंने प्याज लिया था वो डाल देते हैं। और इस प्याज को अच्छे से हम लो फ्लेम पे ही अच्छे से भूनेंगे। तो जब तक इसका पानी नहीं जलेगा तब तक हमको इसको भूनना पड़ेगा। तो देखिए कलर थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है, और इसको थोड़ा सा कवर करके हम पका देते हैं। तो जो भी पानी है तो जल्दी से निकल के इसको हम सुखा देंगे। तो देखिए अच्छे से ये तैयार हो गया। तो पानी भी इसका जितना भी छूटा था ना सब पानी जल गया है। तो अब इसमें हम ले लेते हैं 1 चम्मच बेसन। तो बेसन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो 1 चम्मच हम बेसन मिला के इसको अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं भुन के हो गया तैयार। तो इसको बीच में थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं, और इसमें डालेंगे ये अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 हरी मिर्ची जो मैंने छोटी छोटी काट ली है, और डाल देते हैं 2 चम्मच इसमें देसी घी। तो इसमें अच्छे से हम इसको भून लेंगे। और अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है तो आप इसमें कूट के डाल सकते हैं, छोटा छोटा काट के डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए तो हमारा भुन के तैयार हो गया है। अब चलिए इसमें डालेंगे हम मसाला। तो सबसे पहले लेते हैं 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब ये सारे मसाले हम अच्छे से मिला के भून लेते हैं। तो ये मसाले तुम्हारे भून के हो गए तैयार। और चलिए अब उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें घी, हींग। तो ये आधी चम्मच हींग डाली है और 1 चम्मच डाला है मैंने अमचूर पाउडर। उसके बाद लेते हैं 2 आलू। तो ये आलू बॉईल किया हुआ रखा था हमारा, तो 2 आलू इसमें अच्छे से हम मैश करके डाल देंगे। तो इससे मतलब प्याज में जो भी है बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी, तो प्याज हमारा फैलेगा नहीं, अच्छे से कचौड़ी के अंदर भरने में आसानी रहेगी। तो इसको अच्छे से मिला देते हैं, इसको भी चलाते हुए जो भी आलू बड़ा है ना तो उसको हम छोटा छोटा मैश कर लेंगे। तो देखिए आलू हमारा मैश हो गया, कुछ आलू बचा है उसको भी हम मैश कर देते हैं।
तो ये भी लगभग मैश हो चुका है आलू। तो बहुत अच्छा सा हमारा बनके डो तैयार हो गया है ये भरावन के लिए। तो ये सभी आलू छोटा हो गया और बनके तैयार हो गया। तो चलिए इसको रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। और इधर अपना जो मैंने आटा लगा के रखा था उसको चेक कर लेते हैं। तो ये भी परफेक्ट अच्छा सा ही सेट हो गया है। देखिए बहुत सॉफ्ट हो गया आटा बनके। तो अब चलिए इसको हम देखते हैं। इधर ये प्याज का जो मैंने बनाया भरावन के लिए, तो इसकी मैं लोइयां बना लेती हूँ, तो ये भरने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो ये लोइयां मैंने इतनी बना के तैयार कर ली। इधर हम आटा का डो निकाल के और अच्छे से इसकी लोइयां बनाएंगे। तो जितना हम पूड़ी बनाते हैं ना, छोटी छोटी जब पूड़ियाँ बनाते हैं, तो जितना डो हम आटा लेते हैं उसी तरह से इसकी लोइयाँ बना के हम तैयार कर लेंगे। तो ये आटों के बीच अच्छे से गोल गोल लोइयाँ हम बना लेंगे। और बेलन से हल्के हाथ से हम दबाव नहीं देंगे, अच्छे से हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे। तो ये दबा के आपको बिल्कुल भी नहीं बेलना है। तो छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार कर ली। अब इसमें जो मैंने भरावन के लिए रखा था उसको भर के, जैसा भी आपको पसंद हो ज़्यादा या कम, उस तरह से आप इसको भर सकते हो। तो ये दबा के हम अच्छे से कचौड़ी को भर लेंगे। तो कचौड़ियाँ तो सभी लोग बना लेते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। तो एक बार प्याज की कचौड़ी ज़रूर बना के देखें, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हो इसी साइज़ में हम सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कचौड़ियाँ हमारी बन के तैयार हो गई। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने ऑयल रख लिया था गर्म होने के लिए। तो गर्म हो गया ऑयल हमारा, इसमें कचौड़ियाँ एक एक करके हम डाल देते हैं। तो देखिए तीन कचौड़ियाँ मैंने डाली हैं। तो तीन ही कचौड़ियाँ हम एक बार में फ्राई करेंगे। अगर ज़्यादा डाल देंगे ना तो टाइम बहुत लगता है और ये अच्छे से आती नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा पलट देते हैं। तो फ्लेम हमको लो रखनी है, लो पे ही पकाना है, तभी ये खस्ता बनेगी। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो देखिए कलर हमारा कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कचौड़ियाँ कितनी अच्छी बनी है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो पलट के हम इसको सेंक लेते हैं अच्छे से। तो देखिए कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। और अगर एक बार आप प्याज की कचौड़ी बना के खा लेंगे ना तो आलू की खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी लगती है। तो देखिए ये बन के रेडी हो गई और हमारा दूसरा बैच भी बन के तैयार हो गया है। तो इसको अब निकाल लेते हैं। तो देखिए कचौड़ी हमारी कितनी अच्छी बनी है, फूली फूली खस्ता कचौड़ी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं इसकी प्लेट। तो इस तरह से प्लेट हमने लगा ली है। और इसका थोड़ा सा मैंने बनाया था रायता, तो रायते के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड इंजॉय करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।